इसको अच्छी तरह इसको पीसेंगे अच्छी तरह, क्योंकि ये चिकन और दाल जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब हमने शामी कबाब बना लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करने लगे हैं, आपको फ्राई करके दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो यार भाई साहब, आप लोग मुझे पता नहीं क्यों नहीं सपोर्ट करते, यहाँ तो मेरी वीडियो नहीं अच्छी आती। आप लोगों को मैंने बताया भी, मुझे कमेंट करके बताया जी किस तरह की आपको मेरी वीडियो लगानी चाहिए मुझे, तो आप लोग कमेंट भी नहीं करते ना कोई सपोर्ट करते हैं। आप जो मेरे बहन भाई देखते हैं वीडियो, उनसे गुजारिश है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। तो आप लोग पता नहीं क्यों नहीं करते, मेरे से क्या गलती हो गई है। तो आज हम माशाल्लाह मौसम देखें जी, 2024 जब का आया तो माशाल्लाह जी धूप तो निकल ही नहीं रही जी, पता नहीं 23-7 ही धूप सूरज जो के ले गए थे 2023 जो है। तो माशाल्लाह ये देखें मौसम, इतनी कुछ सर्दी है, इतनी कुछ सर्दी है भाई। भाई साहब क्या आप लोगों को बताएं, इतनी ठंड पड़ रही है, छोड़ी बात दें आप। तो अम्मा जी से आज मैं पूछूंगा जी आज क्या मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो अम्मा जी से जाकर पूछता हूँ क्या मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपको पता ही है हमारी मज़ेदार सी रेसिपी बनती है जो कि अम्मा जी तैयार करते हैं और मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो शुक्रिया, आज मैं अम्मा जी के पास जाके तो फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ दोबारा। तो आप देख रहे होंगे ये देखें कितने ज़्यादा बाल आ चुके हैं, क्योंकि मेरे हर थोड़े दिन बाद इतने ज़्यादा बाल आ जाते हैं, समझ नहीं आती। पहले जब नहीं थे तब हमें बहुत शौक होता था जल्दी जल्दी से बाल आए, दाढ़ी आए, जब दाढ़ी आई तो बार बार जाएं जी खत वगैरह करवाएं ऐसे चलें, कोई नहीं ये भी सुन्नत है दाढ़ी। तो वो देखें जी सामने बिल्कुल माशाल्लाह हमारा दरबार शरीफ है, ये किसी दिन आप लोगों को सारा दरबार शरीफ दिखाएंगे अंदर जाके। ये पीछे साथ ही खेत हैं, ये देखें जी ये कब्रिस्तान है, और ये हमारा पीछे वाला जो कि घर है। तो मैं अभी जा रहा हूँ जी अम्मा जी के पास, तो अम्मा जी के पास जाके आप लोगों से मिलता हूँ मैं दोबारा। नहीं मैं अम्मा जी के पास पूछ रही हूँ, तो अम्मा जी से पूछते हैं क्या मज़ेदार सी रेसिपी बनाने, तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी आज क्या बना रहे हैं? आज मैं चिकन की शामी कबाब बनाने लगी हूँ। माशाल्लाह जी आज अम्मा जी बना रहे हैं चिकन वाले शामी कबाब। अम्मा जी ये कैसे बनते हैं, इसमें क्या क्या शामिल करते हैं? एक किलो मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, और एक वो मैंने चने की दाल ले लिया है, इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो लिया था दाल को, और 2 मैंने प्याज ले लिए हैं, ये एक चम्मच मैंने 1 टीस्पून मैंने वो लिया है जीरा, 1 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, तो 1.5 टीस्पून मैंने ये नमक लिया है, थोड़ा सा ये गरम मसाला है सारा मिक्स गरम मसाला है, और ये लहसुन अदरक का पाउडर है, ये काली मिर्च है, और ये है वो ये सूखे धनिया का पाउडर है, और ये कॉर्नफ्लोर मैंने लिया 5 टीस्पून मैंने 5 टेबल स्पून मैंने ये कॉर्नफ्लोर लिया है, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इसके अंदर चिकन डालेंगे और ये दाल, इसके अंदर प्याज जाएगा, और ये हल्दी, ये जीरा, लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पाउडर, नमक, ये साबुत गरम मसाला,
ये शुगर देने का पाउडर, ये काली मिर्च गरम मसाला और ये कॉर्नफ्लोर बाद में डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसका हम 15 मिनट वेट लाएंगे। अब हम बंद कर देंगे और 15 मिनट इसका वेट लाएंगे। फिफ्टीन मिनट्स लेटर 15 मिनट हमारा वेट मिल गया। अब हम इसे चूल्हा बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप कुकर खोल लेंगे। अब हम देखते हैं और माशाल्लाह हो गया, मसाला वाला बन गया। अब हम इसको पीस लेंगे और जो गरम मसाला साबुन डाला उसको मैं निकाल लूँगी बाहर और फिर इसको मैं पीस लूँगी। थोड़ा सा इसमें पानी, इसको मैं पहले इसको खुशक कर लूँ, फिर इसके बाद मैं इसको गरम मसाला जो साबुन गरम मसाला वो बाहर निकाल लूँगी और फिर मैं इसको मैं पीस लूँगी। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी अब ये हमारा पानी खुशक हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च, ये मैंने आधा टीस्पून लिया था, और ये गरम मसाला ये मैंने 1 टीस्पून लिया था। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसको इसके अंदर पीस लेंगे। इसको अच्छी तरह इसको पीसेंगे अच्छी तरह, क्योंकि ये चिकन और दाल जो है बिल्कुल मिक्स हो जाए। देखिए हमने इसके साथ मिक्स कर लिया है। अब हम इसको इस बॉल में निकाल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे सबर धनिया कॉर्नफ्लावर। अब हम इसे बॉल में निकाल लेंगे सारा। अब हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर डालेंगे। किसी दिन आपको छोटे कुछ ये कीमे के भी शामी को आप बना के दिखाऊंगी। ये चिकन की है, छोटे कीमे के, छोटे कुछ कीमे के भी ना बनाऊंगी किसी दिन, वो भी आपको मैं बताऊंगी। अब हम इसमें सब्ज़ी धनिया डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे शामी कबाब। अब हम शामी बना लेंगे। ये देखिए इस तरह शामी बना के हम रख लेंगे। जब हमने इनको बनाना होगा हम इनके ऊपर अंडा लगाएंगे और फ्राई करेंगे। ये मैं आपको बताती हूँ, जब शामी फिर मैं आपको फ्राई करने का भी बताती हूँ। कुछ मैंने शामी बना ली है, शामी को आप कुछ मैं और कीमा है इसके भी अभी बना लूँ, फिर मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ। हमने शामी को बना ली है, अब हम इनको फ्राई करने लगे हैं।
आपको फ्राई करके दिखाते हैं। अब हम इसमें थोड़ा साइड डाल लेंगे। शामी को अच्छी तरह अंडे में डिप करके इसके अंदर रखे जाए। लाइट ही बंद हो गई है। लाइट ही बंद हो गया। अब हमने मोबाइल की लाइट ऑन की है। चेक करें गाइस, अम्मा जी के हाथ के बने हुए शामी कबाब माशाल्लाह जी। ये देखें कैसी लुक आई है शामी कबाब की। अभी डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। तो आप भी इस तरह घर में बनाइएगा जी, और हमें कमेंट करके बताएं जी कि इस तरह बने हैं, और हम सपोर्ट करें भरपूर। आप जो मेरे बहन भाई वीडियो मेरे देखते हैं उनसे यही मैं गुजारिश करता हूँ हर दफ़ा, तो जल्द से जल्द मेरा वॉच टाइम कम्प्लीट करवाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। निकाल लेते हैं प्लेट में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए हमारे शाम भी तैयार हो गया। देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शाम भी तैयार हो गए हैं। आप भी अपने घर में बनाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। आगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।